दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना YouTube चैनल आरके स्टडी पे, मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज आज आप सभी के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का, जो कि सभी सब्जेक्ट यानी सभी ब्रांच में कंपलसरी है, सभी ब्रांच में मैच करता है, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड वो आप सभी के जो सिलेबस रहने वाला है वो लेकर आ चुके हैं। क्या क्या सिलेबस है और इसमें आप सभी को ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे कि जो कौन कौन से चैप्टर हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा उसमें से मार्क्स आते हैं, ठीक है। और बहुत ही इजी चैप्टर हैं जो कि जिसपे आप सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं वहाँ से, तो आप वहाँ से अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका थर्ड सेमेस्टर है उसमें अच्छा खासे जो मार्क्स हैं ले आ सकते हैं। तो ये सारी के सारी बातें इसमें बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर RKStudy 2.0 टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अभी हमने जस्ट अपलोड किया है बुक, तो आप वहाँ से फ्री कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगती है। बाकी बात अदर जो सब्जेक्ट है वो भी हम आप सभी को प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी आप सभी को वहीं पर देखने को मिल जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बात जो आपकी सिलेबस है, जो जहाँ से सबसे ज़्यादा आप मार्क्स लाएंगे इस सब्जेक्ट से, वो सारे के सारे इस वीडियो के अंत में बताएंगे, तो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। अगर मिस किए करेंगे तो आपका 90% नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो 90% मैथ में अगर लाना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बात क्लास जो है इसकी 8 बजे शाम को चलेगी। आप यदि रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं तो 8 बजे शाम को जुड़ जाइएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और आपके जो फ्रेंड हैं पढ़ सके, ठीक है। तो गाइस चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको जो सिलेबस है उसको समझाते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करने हैं, ठीक है, कहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं स्क्रीन पे, जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है, जो सभी ब्रांच में है, ठीक है, सभी ब्रांच में है। तो गाइज इसका जो सिलेबस है यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, और अभी इसी के बारे में आप सभी को समझाने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है आव्यूह, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो गाइज मैट्रिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर तक पूछा जाता है, ठीक है। इससे कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक इसमें आव्यूह ही नहीं है, आव्यूह से रिलेटेड आपके 3 बनते हैं, ठीक है, 3 चैप्टर बनते हैं। कौन कौन से? एक तो मैट्रिक्स हो गया आपका, ये प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण हो गए, आइगन तथा मान तथा कैली हेम्प्टी प्रमेय, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर से कम से कम 15 से 20 नंबर इसमें से ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही ईजी है। अगर आप 12th पढ़े हैं तो आप सभी को पता होगा आव्यूह बहुत ही सिंपल है, और इससे ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहीं से सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके बनते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को केवल तैयार कर लिया तो आप समझिए कि आप पास हो जाएंगे, क्योंकि 50 में आपको 17 नंबर ओनली चाहिए होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। अगर ये हम आप सभी को पढ़ा दिए, बता दिए, सबसे ज़्यादा कि इसमें कुछ सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करने होते हैं, लेकिन अगर एक एक सवाल इसमें से हमने बता दिए तो इसकी सवाल कभी आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, 200 लाइक पहुँचाइए तो हम आप सभी का वीडियो तो हम पढ़ाना आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा देंगे वीडियो। तो गाइस यहाँ पे चौथा जो है ये आप सभी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे आ जाता है, ये 3 जो है मैट्रिक्स रिलेटेड हमने बता दिए। अगला जो है हमारा आंशिक अवकलन, ठीक है, जिसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल बोलते हैं, ये एक डिफरेंशियल ही जैसा होता है, लेकिन इसमें डेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डेवा का प्रयोग किया जाता है, डेल का। तो वहाँ जब पार्शियल आंशिक अवकलन पढ़ाएंगे यानी पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ाएंगे तो आप सभी को समझा देंगे, लेकिन जो डिफरेंशियल का रूल होता है वही इसमें अलाउ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल वगैरह पढ़े होंगे। अब जैसे बात की है जैकोबियन का, ठीक है, तो गाइस जैकोबियन भी बहुत ही सिंपल है, जो इस पर आधारित है, जो आपके मैट्रिक्स वगैरह हैं इसी के आधारित है, ठीक है। तो इसमें भी आप सभी को बता देंगे। तो गाइज ये भी आप सभी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आव्यूह और कह सकते हैं डिफरेंशियल का मिक्सचर होता है, जो जैकोबियन होता है, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, ये अगर दिमाग पे आपके अगर अच्छा पकड़ है तो आप इससे भी अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं। यहाँ से कम ये दोनों चैप्टर से 10 नंबर मिल सकते हैं आप सभी को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जैसे सदिश वेक्टर हो गया, तो इससे एक क्वेश्चन आता है जो हम आप सभी को लास्ट में बता देंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं वो सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं, इसके बाद जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते वो लास्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन आते हैं उसके बदले में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए चैप्टर है आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस तथा कर्ल, ये भी डिफरेंशियल के ही आधारित पे है, लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, ठीक है, BSc लेवल का है आप सभी का, तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, यहाँ से भी आपके 10 नंबर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
अब प्रथम कोटि के अवकल समीकरण में क्या है, इसमें आर्डर पूछा जाता है कि कै घात का है, तो ये भी एक सिंपल है, आप सभी लोग पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट जैसे कि उच्च क्रम की रैखिक अवकल समीकरण, इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 5 नंबर गेन हो सकते हैं इस दोनों चैप्टर से, ठीक है। अवकल समीकरण के सरल अनुप्रयोग, यानी इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है, लेकिन अगर ये आप चैप्टर नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है बीटा और गामा फलन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर है, इससे पक्का है 2 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, 2 या 3, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फोरियर स्टडी, जिससे कि 1 क्वेश्चन पक्का आपका आता है 5 नंबर में, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि फोरियर स्टडी है, इसके बारे में हमने बता दिया कि एक क्वेश्चन इससे आते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है चैप्टर, लाप्लास रूपांतरण एवं प्रति लाप्लास रूपांतरण। अब इसमें दोनों में देखिए, दोनों चैप्टर कह सकते हैं कि सेम है, बस क्या है, लाप्लास रूपांतरण का उल्टा ही प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण है, ठीक है। यानी अगर आप इसको पढ़ लिए तो आप इसको आराम से कर जाएंगे, कोई दिक्कत। आपका है क्या है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसको हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। इसके बाद है आपका बंटन, ठीक है। तो आप अगर बंटन नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी उतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, प्रायिकता, जो प्रायिकता है, इससे एक क्वेश्चन आते हैं जो उसी को हर साल बदल बदल के आता है, तो उसमें नंबर चेंजिंग होती है, जब हम पढ़ाएंगे तो आप सभी को बता देंगे, ठीक है। तो इतने सारे आपके चैप्टर थे जो आप सभी को हम बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख सकते हैं। शुरू से हम फिर से आप सभी को बता देते हैं फटाफट से कि कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है मैट्रिक्स, ठीक है, इस ये और ये चैप्टर जो है ये तीनों, ठीक है। फिर आपका आंशिक अवकलन, जेकोबियन, ठीक है, ग्रेडियंट और ये डाइवर्जन तथा कर्ल है आप सभी का इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका ये उच्च क्रम का रैखिक अवकल समीकरण से, बाकी बात फिर जो आपका इधर इंपॉर्टेंट बन जाता है वो बीटा गामा से, फोरियर से, लाप्लास रूपांतरण और प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, ठीक है। बाकी बात फिर एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से बनता है जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इतना अगर आपने क्वेश्चन के लिए 90 नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक है, 90% आपका फिक्स हो गया। तो गाइज ये था आपकी सिलेबस जो अप्लाइड मैथमेटिक्स 3rd का था, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से क्या करना है, बहुत ही सिंपल है यदि आप इसको मन से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।